हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं इस वीडियो में क्या अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास सोनाटा का एक एनालॉग डिजिटल वॉच आके पहुंच चुका है फ्लिपकार्ट से। ये दोस्तों आप अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। MRP अराउंड 2799 है, लेकिन आपको अगर ड्यूरिंग ऑफर परचेस करना है और भी सस्ता आ जाएगा। अराउंड आपको 2100 से 2500 के रुपीज़ के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। 3 कलर्स पर ये अवेलेबल है, आप चाहे तो ले सकते। अब दोस्तों मैं इसका मॉडल नंबर भी बता देता हूं। अभी मैं ऑनलाइन आपको ओपन करके दिखा देता हूं मॉडल नंबर क्या है, ताकि आप लोग अगर सर्च करके भी परचेस करना चाहते हैं तो आपको आसान रहे। यहां पे दोस्तों सोनाटा 77045 PP02J एनालॉग डिजिटल वॉच आपको सर्च करना है। मैं आपको जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये आपको फ्लैश आउट हो रहा होगा, ये आपको सर्च करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके परचेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पर दोस्तों बात करें, ये कम्प्लीटली एनालॉग डिजिटल वॉच है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू के साथ साथ इसका सेटिंग भी बताऊंगा, ताकि अगर आप न्यू यूज़र है, आपको नहीं पता किस तरह से सेटिंग किया जाता है, आपको थोड़ा सा मदद मिल जाए। क्योंकि जब मैं फर्स्ट यूज़र था एनालॉग डिजिटल वॉच का, तब ये सेटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सारे लोगों को पता नहीं होता है। यूज़र मैनुअल रेफ़र करें वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप यूट्यूब पर या गूगल पर ही सर्च करेंगे। तो उससे अच्छा है दोस्तों आप एक वीडियो देख लीजिए YouTube पे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि इसका सेटिंग किस तरह से किया जाता है। दोनों एनालॉग एंड डिजिटल सेटिंग आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो पे। कंप्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर वीडियो के एंड पे वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनवेश कुमार, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल बिग यूनिक टीवी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताया, हमारे पास आके पहुंच चुका है सोनाटा का एक एनालॉग डिजिटल वॉच, जिसका मॉडल नंबर है 77045 PP02J, जो कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे देखने को मिल जाएगा अराउंड 2799 रुपीज़। लेकिन आपको ऑफर ये 2100-2200 के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। ये मुझे चार्ज किया गया 2200, तो ये कुछ इस तरह से फ्लिपकार्ट से मंगवाया। पैकेजिंग बहुत ही सही है, मैं इसे कट कर लिया है एंड मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि सिंपली किस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक इनवॉइस ओपन करते ही देखने को मिलता है, इसे कर लेते हैं साइड में। अब दोस्तों फिलहाल बॉक्स में कुछ नहीं है, आपको एक इस तरह से देखने को मिल जाएगा सोनाटा के तरफ से। यहाँ पे आपको ओशन सीरीज देखने को मिल जाएगा एंड सोनाटा ब्रांडिंग है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से स्टिकरिंग वगैरह एंड इसका जो MRP वगैरह देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से 2799 रुपीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड MLID मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों बात करें बॉक्स क्वालिटी की, थोड़ा सा दोस्तों मुझे ओल्ड तरह से लगा, लेकिन ये सही है। देख लेते हैं अंदर किस तरह से हमारा वेलकम करता है सोनाटा। आपको इस तरह से ये कैप को रिमूव करना रहता है। चले रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों कैप को हमने रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद आपको इसके अंदर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और एक पैकेट को निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है वॉच के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो कि बेसिकली यूजर मैनुअल वगैरह होता है। इसे कर लेते हैं साइड में, क्योंकि ये हमारा कोई भी काम का नहीं है। हम एक्चुअल प्रोडक्ट पे आते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरह से कवर आपको देखने को मिलता है, कवर को रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करते ही आपको कुछ इस तरह से पैकेजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे है हमारा एक्चुअल सोनाटा 77045 PP02J एनालॉग डिजिटल वॉच फॉर मैन। तो कुछ इस तरह से है, क्वालिटी ठीक ठाक है एंड आपको यहाँ पे SF देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जो ब्रांड टैग है, यहाँ पे आपको सोनाटा टाटा प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ बात करें, आपको ये 4 बटन देखने को मिल जाएगा। वॉच का जो स्टाइल है कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपको एक स्टिकरिंग दिया जा रहा है, इसे निकाल लेते हैं। सेफ्टी के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पे निकालने के बाद क्वालिटी वाइज ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4 बटन 1 2 3 4 आप देख सकते हैं। आपको एक लाइट बटन, एडजस्ट बटन, सेट बटन, मोड बटन, इस तरह से 4 बटन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, आपको एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही प्रोवाइड किया जा रहा है।
यहाँ में दोस्तों लाइट, ये रिंग लाइट लगाया हुआ है इसलिए सही से दिखेगा नहीं, लेकिन लाइट भी सही से काम कर रहा है। एंड बात करें पीछे के साइड, तो आपको यहाँ पे SFA टाटा प्रोडक्ट मॉडल नंबर इंडिया वगैरह यहाँ पे प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वालिटी एंड ये जो बैंड का क्वालिटी है वो भी सही है, आपको बैंड में इस तरह से देखने को मिल जाएगा SF प्रिंटेड। और उसके साथ साथ दोस्तों ये अगर आप देखेंगे लॉक पे, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा कुछ प्रिंटेड दोस्तों स्टेनलेस स्टील यहाँ पे आपको प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा। तो ये था क्वालिटी एंड इसका कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको लाइट प्रोवाइड किया जा रहा है, एनालॉग डिजिटल है, आपको ये जो बटन मिल रहा है रोटेट के लिए आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं वॉच को, तो काफ़ी सही है इसका बिल्ड क्वालिटी एंड दोस्तों जो फीचर्स है वो भी सही है, आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन दोनों पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। एंड जो स्ट्रैप कलर है दोस्तों आपको मल्टी कलर पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड बहुत सारे 3-4 कलर पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप ऑनलाइन चेकआउट कर सकते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और डायरेक्टली क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। एंड इसका जो बेस्ट फीचर्स के बारे में बात करूँ, प्रोडक्ट हाईलाइट्स है, ये वाटर रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे आपको 1 ईयर जो वारंटी वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड ओकेजन आप स्पोर्ट्स वगैरह ये वॉच है तो आप आसानी से, ये जेंटल लुक भी देगा एंड काफ़ी स्टाइलिश भी है, आप आसानी से कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। एंड थिक स्ट्रैप्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो भी बहुत ही सही है। इसका जो वाटर रेजिस्टेंस है वो 1080m है एंड डिस्प्ले टाइप जो है वो एनालॉग डिजिटल है। तो ये था प्रोडक्ट का कुछ बेसिक हाईलाइट एंड आपको प्राइस भी बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया एंड मैं 100% इसे रेकमेंड करूँगा, मुझे ये सही लग रहा है। अगर दोस्तों मैं यूज़ करूँगा थोड़ी दिन एंड अगर मुझे कोई भी इशू मिलता है, मैं ज़रूर से एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा एंड उस पर आपको बताऊँगा कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसे मैं पहन भी लिया है, इस तरह से ये लुक देता है, काफ़ी सही लुक ये दे रहा है जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं। एंड आपको ये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 2799 रुपीज़ है एंड इसका रिव्यू भी काफ़ी सही है, आप चाहे तो ले सकते हैं। अभी दोस्तों रूम को मैं अंधेरा किया हुआ है, आप दोस्तों देख सकते हैं जो एनालॉग का जो स्टिक है वो दोस्तों आप मिनट देख सकते हैं एंड जो आवर के है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह जो सुई होता है वो उस पर भी दोस्तों आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो अगर आप लाइट पे थोड़ी देर रह जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से कहाँ पर टाइम है एनालॉग से। अगर दोस्तों आप लाइट लगाना चाहते हैं, चलिए मैं लाइट को ऑन करता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ऑन हो जाता है, तो आप कुछ इस तरह से इसे देख सकते हैं, आपका टाइम वगैरह यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो अंधेरा पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। चलिए दोस्तों लाइट को ऑन करते हैं, तो आपको पता चल चुका है कि लाइट इसका किस तरह से काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये वॉच का सेटिंग किस तरह से किया जाता है। दोस्तों एनालॉग सेटिंग के लिए आपको ये जो रोटेट बटन मिल रहा है इसे दोस्तों थोड़ा सा फ्रंट जो आउटसाइड के तरफ आपको थोड़ा खींचना है एंड दोस्तों इस तरह से रोटेट करना है तो आसानी से हो जाएगा। उसका दोस्तों आप इसे लॉक करने के लिए प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एनालॉग सेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल वॉच की तरह है। दिक्कत तभी आता है जब आप सेट करने की कोशिश करते हैं डिजिटल। तो डिजिटल किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों सेट मोड एडजस्ट लाइट, ये जो 4 बटन मिल रहा है इसी से ही आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सेट एंड मोड का जो लेफ्ट साइड बटन मिल रहा है, तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2 जो बटन मिल रहा है लेफ्ट साइड पे, ये जो सेट एंड मोड को आपको एक साथ प्रेस करना है, एक बीप साउंड आएगा कुछ इस तरह से प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो सेकंड है वो इस तरह से थोड़ा ब्लिंक करने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मोड का बटन मिल रहा है इसे प्रेस करना है एक बार। उसका दोस्तों देखिए जो आवर का है, यानी कि 2 लिखा है वो आवर का है, उसके बाद जो 18 लिखा है वो मिनट का है, उसके बाद ये सेकेंड का है। अब दोस्तों देख सकते हैं जो ब्लिंक करने लगा है, यानी कि ये सेट नहीं है। अब जो आपका कर्सर है वो इसके ऊपर है, तो इसे आप सेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो एडजस्ट है इसे अगर ऊपर सेट करेंगे ये इंक्रीज होता जाएगा। अगर दोस्तों लाइट प्रेस करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा एंड आपको कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट करना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम सेट कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे 9 के ऊपर रखना है, तो इस तरह से मैं
9 पे आ जाऊंगा एंड इसे मैं लॉक करूंगा। इसके लिए मैं मोड पे फिर से क्लिक करूंगा। उसके बाद जो ब्लिंक हो रहा है वो जो मिनट्स है वो ब्लिंक हो रहा है। सेम दोस्तों मैं इस तरह से एडजस्ट प्रेस करूंगा एंड ये इंक्रीज होता जाएगा। मेरा जो मिनट है यानी कि अभी चल रहा है जो 45 या 46 है, तो मैं कुछ इस तरह से इसे रखूँगा 46 के तरफ लेके, ठीक है। तो इस तरह से 46 पे हो गया। उसके बाद मैं इसे मोड पे फिर से क्लिक करूँगा। अब दोस्तों कुछ इस तरह से आपको सेट करना रहता है, ये अलार्म वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो अब दोस्तों टोटल सेट पे एक बार फाइनल होने के बाद मैं क्लिक करूँगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो 9:47 अभी हो गया है मेरा डिजिटल टाइम, तो कुछ इस तरह से ये सेट हो गया है। तो दोस्तों सेम आपको फिर से प्रेस करना है, आपका जो क्विक एंड जो डेट है वो आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो फिर से क्लिक कीजिए, इस तरह से ये ब्लिंक होने लगा है, इस तरह से फिर से कीजिए। अब दोस्तों मुझे कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं 3 बार इस तरह से प्रेस करूँगा तो मेरा जो डेट है वो उसके ऊपर चला जाएगा। अब दोस्तों मैं फिर से एडजस्ट पर क्लिक करूँगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। एंड अभी जो चल रहा है ये जो पहला है वो दोस्तों मंथ है, अभी जो चल रहा है वो जनवरी चल रहा है 2022 का, यानी कि मैं 12 के बाद 1 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों मोड पे फिर से क्लिक करूँगा, ये 22 हो गया है, यानी कि ये डेट है। तो आज का डेट है 16, जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो मैं 16 सेट करूँगा। किस तरह से करूँगा, यहाँ पे फिर से एडजस्ट पर क्लिक करूँगा जब तक 16 ना आ जाए। तो 31 टोटल है, तो आपको इस तरह से सिंपली इसे रखना है। तो अब ये 16 हो गया है, अब मैं फिर से मोड पे क्लिक करूँगा तो ये सेट हो गया है। तो अब दोस्तों ये जो ब्लिंक हो रहा है ये टाइमर के ऊपर हो रहा है, यानी कि जो वीक है उसके ऊपर हो रहा है। तो सब देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये वीक बता रहा है। तो मैं एडजस्ट पर क्लिक करूँगा एंड ये जो वीक है वो इस तरह से जा रहा है। तो कौन सा डे है आपको कैसे पता करेंगे, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे है। तो आज संडे है तो मैं कुछ इस तरह से रखूँगा, उसके बाद मैं इसे सेट पर क्लिक कर लूँगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेट कम्प्लीटली हो चुका है। टाइम एंड जो डेट है यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है एंड यहाँ पे आपको वीक देखने को मिलता है एंड ये कम्प्लीटली आपका सेकेंड जा रहा है, आवर्स मिनट चल रहा है एंड जो एनालॉग सुई है वो भी सेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप काफ़ी सही से आप ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आप सेटिंग कर पाएंगे आपका ये सोनाटा डिजिटल वॉच पे। एंड दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड बहुत मेहनत लगता है इस तरह से एक वीडियो बनाने के लिए, ये सारे सेटिंग को आपको दिक्कत ना हो इसीलिए काफ़ी सही से वीडियो बनाना पड़ता है। तो उम्मीद है आप लोग सीख चुके हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दोस्तों वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं ध्यान से, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी सही है दोस्तों, सिर्फ आपको ये सारे बटन का इस्तेमाल करके ये सारे चीज़ करना रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अलार्म वगैरह भी सेट कर सकते हैं एंड आप यूजर मैनुअल रेफर कर सकते हैं, काफ़ी सही है। आपको कुछ इस तरह से बटन्स का ही इस्तेमाल करके सारे सेट करना है, बहुत सारे फीचर है इस पर। तो अगर दोस्तों फिर भी आपको जानना है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा कि अलार्म वगैरह किस तरह से सेट किया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस ज़माने में 2022 में कोई अलार्म इस्तेमाल करता है डिजिटल वॉच का। एक फीचर सिंपली दिया गया है, बस उम्मीद नहीं है कि कोई इसे यूज़ करेगा क्योंकि स्मार्टफोन ज़माना है, स्मार्टफोन पर अलार्म होता है। लेकिन दोस्तों ये जो डिजिटल एनालॉग वॉच है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो में बता दिया। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, धन्यवाद। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन का दबाना, ताकि नोटिफिकेशन पास गए और हर न्यू वीडियो का। अगर दोस्तों ये एनालॉग डिजिटल वॉच को आप परचेस करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके दोस्तों भी वीडियो को शेयर कर ले ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। आप चाहें तो हम सोशल मीडिया साइट से भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हमारा बिजनेस ईमेल आईडी है bigunitv@gmail.com, आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर पाएंगे। चले फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें सहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर, आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक टीवी।